What's up guys, Kane here and welcome back to another vlog. तो आज के vlog में guys हम बना रहे हैं traditional चटनी. आज हम आपको बताएंगे इस traditional चटनी की recipe जो कि बहुत tasty होती है. तो फिर यहाँ पे देखते हैं हम ingredients इसके. Guys ये रहे इस चटनी के ingredients. यहाँ पे आड़ू रखा है, यहाँ पुदीना रखा है और यहाँ पे कुछ और भी है जो कि मेरे को इसका नाम नहीं पता है. तो फिर यहाँ पे मिक्सी भी है गाइस और यहाँ पे मिक्सी में हम ग्राइंड करेंगे. तब मम्मा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं आप बताते हो? मैं इधर से आता थोड़ा. यस तो मम्मा ये क्या है बताते हैं? ये है आड़ू, इसको बोलते हैं पीच. इसे तो बता दीजिएगा. यस ये है पुदीना, दिस इज पुदीना. मिंट है, मिंट. ये है अमेरिला, अमेरिला घास. इसका मुझे कोई साइंटिफिक नाम पता नहीं है. आई ऑल्सो डोंट नो. जिसको पता है वो समझ जाएगा. अमेरिला और एंड मोर पुदीना एंड मोर एंड मोर आड़ू एंड अ लिटिल बिट ऑफ अनियन आल्सो. जीरा, अनियन, अनियन, गार्लिक, एवरीथिंग मिक्स. चिली, हरी मिर्च, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली एंड और बहुत सारी चीजें मुझे मिली नहीं और भी हो सकती थी और इसमें भी. दिस ऑलरेडी लुक्स सो डिलीशियस गाइस. मेरे मुंह में इसको ही देख के पानी आ रहा है. अभी आएगा पानी. तो अब हम इसे करेंगे मिक्सी में ग्राइंड. रुको रुको अभी नहीं करेंगे. रुको रुको रुको. तो अभी हम इसमें डालेंगे नमक. तो गाइस अब इसमें डाला जाएगा कितना नमक? साल्ट एज पर टेस्ट. तो एक चम्मच नमक डाला है. नहीं ज्यादा हो सकता इसलिए थोड़ा कम कर दिया मैंने. ज्यादा हो सकता थोड़ा कम कर दिया मैंने. ये लीजिए ढक्कन मिक्सी का और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा गरम मसाला. मिक्स मसाला, सारे मसालों का मिक्स. चिली, लाल चिली मिर्च पाउडर होगा इसमें. इसका ढक्कन था वहां पे. धनिया पाउडर होगा. अच्छा ढक्कन के पास है. ढक्कन मैंने दे दिया अम्मा को. अब इसे करेंगे ग्राइंड. लेकिन ग्राइंड तो करेंगे इसको. थोड़ा पानी भी चाहिए. ताई जी यहाँ पे हेल्प कर रही है मम्मा की. यहाँ पे ताई जी पानी ला रही है. अभी पापा पे आराम से आप बैठे हैं, आराम कर रहे हैं. मम्मा भी ग्राइंड कर रही है इसे. वैसे तो, सिलबट्टे में बनता ना. हाँ जी ज्यादा मजा आता. तो हमारे पास सिलबट्टा तो नहीं है. सिलबट्टा है लेकिन मेहनत नहीं है. मेहनत वाले नहीं है. अरे चटनी हम खाएंगे किसमें? किसी में भी खा सकते हैं. थोड़ा चम्मच चाहिए थी. अरे ये तो हो ही नहीं रहा ग्राइंड. होगा ना वो तो, क्योंकि थोड़ा ड्राई है. ओके तो जल्द करते हैं इसे ग्राइंड. तो और ग्राइंड किया अभी. फिर भी यहाँ पे सॉलिड और कैसे तो बीच में ड्रैग कर देना. तो फिर अभी हम करते हैं इसे पॉज और करते हैं सीधा फास्ट फॉरवर्ड. तब तक पापा से पूछते हैं, पापा आप इस चटनी को किस चीज में खाना चाहेंगे? बेटा ये कोदे की रोटी के साथ भी बहुत बढ़िया होता है. रोटी के साथ फिर इसको चाहे चावल के साथ खा लो. ये किसी भी खाने का टेस्ट को दुगना कर लेता है. और इसके आप सब्जी नहीं भी खाओगे तब भी चटनी से भी काम चल सकता है. इतनी डिलीशियस होती है ये. क्योंकि इसे पहले से प्याज है, हरी मिर्च है, पुदीना है, आड़ू है, अमलडा है. ये किसी भी चीज का टेस्ट को बढ़ा देती है, डबल कर देती है. खाने में जो है मजा ही कुछ और है. ये नहीं कि एक ही चीज में खा सकते हैं इसको. पर्टिकुलर एक ही चीज में खाना है इसको. किसी भी राइस के साथ खा सकते हैं इसको. रोटी के साथ, किसी भी आटे की रोटी हो, पोदे की रोटी हो, तो हर चीज में इसका टेस्ट अच्छा होता है. ओके तो पापा के हिसाब से इसे किसी भी चीज में खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत टेस्टी है. तो फिर चलते हैं. मैं भी इस चटनी को पहली बार ट्राई करूंगा तो फिर मैं भी देखता हूँ टेस्ट कैसा है इसका. अनबिलीवेबल या फिर बहुत गंदा. मम्मा अभी और ग्राइंड कर रही है. गाइस पुदीने की खुशबू आ रही है मसाले के मिक्स. मसाला प्लस पुदीने की खुशबू आ रही. ये देखिए आपने देखा होगा अगर थोड़ा सा स्मोक भी आ रहा है. अब पानी भी डाल दिया थोड़ा. ये चटनी हरी होती है. थोड़ा पानी ला दे और. ओके कितना इसमें ला? पूरा नहीं आप दस मतलब. तो मुझे इसका हाफ का मुझे इसका क्वार्टर लाना है. तो मैं इस पानी खोल लेता हूँ करके. इतना ठीक रहेगा. हाफ का हाफ होता है 1/4.
और उसका हाफ लाना था पर मेरे 1/4 ही रह गया, ठीक है। तो थोड़ा सा डालना, एक चम्मच दो चम्मच बोला था मैंने बस। ये देखिए गाइस, बिल्कुल हरी होगी चटनी। मैं थोड़ा फ्लैश ऑन करता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखिए गाइस कितनी टेस्टी लगी, कितनी टेस्ट लगी, खुशबू आ रही। काश आपको आवाज़ क्या मिल रहा है, मुंह में पानी आ रहा हो तो लाइक करें, टिश्यू पेपर यूज करें और लाइक करें, नहीं लाइक करें। अगर आप लाइक किया सब्सक्राइब किया नैपकिन से पहुँच ले। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया तो और पैसे दिए तो हम आपको भी दे सकते हैं, हम आपको बेच सकते हैं और रेसिपी देंगे हम आपको, है हम आपको बेच भी सकते हैं अगर आपने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए। ओके एक चीज करते हैं, अगर मम्मा हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए इन खाने वाली वीडियो से तो हम खाना भी सप्लाई करेंगे कभी कभी रेसिपी को। नाउ रेडी, तो रेडी हो चुकी है चटनी, तवा भी लेके कर, तवा का है। ओके तो गाइस मेरे को तवा लेके भी आना है, ये तवा प्लेट्स के नीचे छुप रखा है। चूल्हा कितना मस्त लग रहा है, हम इजी लाइफ जीते हैं गाइस। ये देखिए चूल्हा, तो ताई तवा का रखना है, तो रोटी बनाई जा रही है। तो अरे कीड़ा है उसपे, क्या ये आग में गया। तो गाइस ये देखिए चटनी, यहाँ पे ये तो थोड़ी चटनी है, तो ये असली चटनी। पलटने तो दो भाई बोल पे, कितने अच्छा है, कितना गाढ़ा है। इसमें ऊपर से दो पुदीने के पत्ते लगा दे सजाने के लिए फॉर डेकोरेशन। तो फिर देखते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं इसे पुदीने के पत्ते वाला काम। तो गाइस दिखा दे आपको अमरेला, मतलब अमरेले की चटनी। ये देखिए ये कुछ ज़्यादा ब्राइट हो गई, देखिए इसके ऊपर पुदीने के पत्ते हैं, यहाँ पे चटनी है और ये बॉल में रखी, बहुत टेस्टी लग रही। अब मैं इसे खाऊंगा रोटी में और इसको करूंगा बहुत अच्छे से रेट। तो फिर देखते हैं कैसा बना है खाना। तो गाइस मम्मा और मैं आ चुके हैं छत पे, यहाँ पे देखिए मम्मा और मैं कपड़े सुखा रहे हैं, और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर से। मेरे चाचा जी आ रखे, कहाँ से भैया आ रखे दो, ये देखिए चाचा जी और भैया आ रखे मेरे। पापा आराम कर रहे हैं, ताई जी रोटी बना रही है नीचे, अगर आप देख सकते हैं ताई जी रोटी बना रही है, और मम्मा कपड़े सुखा रही है, सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पापा यहाँ पे बात कर रहे हैं चाचा जी से, कैमरा नहीं हिल रहा मम्मा। तो मम्मा वहाँ पे कपड़े सुखा रही है, ताई जी रोटी बना रही है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, बिग भी अपना काम कर रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, और पापा वहाँ पे बात कर रहे हैं चाचा जी से। तो सब कोई ना कोई काम पे बिजी है, तो फिर सब वहाँ पे ऑक्यूपाइड है। पहले मुँह बंद कर, क्या आवाज़ सुन, कितनी अच्छी हो रही, तेरा मुँह कहीं 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 कर रहा, बैटर तो चिड़िया बोल रही हूँ। चिड़िया ये सिकाड़ा है यार, सच में कीड़ा है ये, सुनना ना मुझे म्यूजिक, कीड़ा है ये सिकाड़ा है वो, उनका म्यूजिक सुना रही है। चीड़िया होती है देखो गांव में कितने, वो अपना पैर जब वहाँ पे गाइस जो सिकाड़ाज होते हैं वो अपने पैर से आवाज निकालते हैं वाइब्रेशन जैसे, आप सुन सकते हैं, सुनिए ये ज्यादातर गाँव में सुनने को मिलता है, शहर में नहीं मिलता। ये उसका पेड़ है, इसको बोलते तिमला, और तिमले में कुछ उगता है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको फिग, फिग के पेड़ में कुछ उगता है ना, कुछ उगता है फिग के पेड़ में, फिग ही उगेगा ना क्या कहना, तो अरे जंबो कैसे फिग होता क्या है, फिग अंजीर, अच्छा हाँ अंजीर का पेड़ है, अंजीर नहीं होता वो यहाँ पहाड़ी में इसको तिमला बोलते हैं, पहाड़ी पहाड़ का अंजीर होता है फिग, पता नहीं क्या होता है क्या बोलते हैं, मैंने कभी फिग का फ्रूट नहीं देखा, फिग का फ्रूट खाया है तूने, अंजीर अंजीर खराब होते हैं बहुत, मेरे को अच्छे लगते हैं। अब मेरे से मुंह पे मैं कोई सीनरी हूँ तो पागल है तू कर। तो गाइस यहाँ पे एक टेम्पररी शेड भी लगा रखा है, क्योंकि कभी कभी जहाँ पर शादी होती है तो फिर यहाँ पे रोटी बनाते हैं शाम के टाइम, क्योंकि अगर घर में बनाएंगे रोटी तो जगह बचेगी नहीं, कोई गेस्ट आराम नहीं कर पाएंगे, तो फिर यहाँ पे हमारे लिए टेम्पररी शेड है रोटी के लिए। और यहाँ पे है जो पेड़ नीचे गिर रखा है वो एक्चुअली बेल के लिए है, जो वहाँ बेल होती है वाइन लगाने के लिए, क्योंकि जब कभी कभी हम लगाते हैं ना बेल तो फिर वहाँ पे इस पे सपोर्ट देती है वो, तो इसे हम खड़ा कर देंगे तार पे और यहाँ पे वो बेल को सपोर्ट देगी। तो गाइस ये देखिए ये पहाड़ पे वहाँ पे टॉप तक जा रखी है रोड, वहाँ पे हम कल गए थे, वो जगह का नाम था गोदी, सब वहाँ का तो व्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे हम मंदिर गए थे नागरदा देवता के, जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं,
येलो कलर का मंदिर है नागार्जुन देवता का, मेरे को भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि धूप पड़ी गाइस यहाँ पे, शायद से वो है। नहीं नहीं गाइस मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा नागार्जुन देवता का मंदिर अभी तो फिलहाल। ये देखिए आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, कितना अच्छा है ये गाँव ना, इतने अच्छे पहाड़ है यहाँ पे, स्टेप फार्मिंग कर रखी है। तो ये देखिए गाइस सारे खेत है, हम यहाँ पे भी गए थे घास काटने के लिए, आपने रील में देखा होगा हमारी, ये देखिए। तो अब मैं वापस चलता हूँ नीचे। गाइस मैं एक्चुअली चप्पल पहन के नहीं आ रखा, तो मेरे पैरों पे छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे जो कि बहुत पेनफुल है। तो फिर अभी चलते हैं हम नीचे, अभी सीढ़ी पे आ गए तो चप्पल पहनेंगे हम। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं खाना रेडी हो चुका है, चटनी बन चुकी है, हरी सब्जी बन चुकी है, रोटी बन चुकी है। तो मैं करता हूँ इसको खाने के बाद रेट, चलो टेस्ट करते हैं। पहले हल्की सब्जी में रोटी लो और फिर उसके बाद चटनी लगाओ। मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो गाइस लियो भी आ रहा है, उसको एक छोटा स्पीच रोटी दूंगा, खा लिया उसने। देखो देखो उसने खा लिया, चलिए बाहर चल बाहर चल बाहर चल। एक बार मेरे खाने पे आ गया था तो मैं इसको इधर रखता हूँ और करता हूँ यहाँ पे कट। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो फिर सीक्रेटली हम रिकॉर्ड करें, वरना ताऊ जी देखिए तो जा रहा है ना, जो तुम वहाँ बैठ गए ना जान चिल्ला के बैठा है, जितने हमारी इच्छा है अब तो जान रहे नहीं है, जान रहे ना है, ये इंडिया में तो सब कुछ है ना ठीक, पर हमें लग रहा है कि ये सफिशियंट नहीं है। और अगर ये सफिशियंट नहीं है तो हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाना पड़े, हमें नॉलेज गेन करना है कि व्हाट विल बी, क्या हो सकता है। हमारे अंदर जो ना क्यूरियोसिटी है कि कुछ और भी हो सकता है, या जो हम जानते हैं ये कितना है, इतने सरोता बैठे हैं यहाँ सफिशियंट किसे कहते हैं, अरे कैमरा मैन सफिशियंट क्या होता है, सफिशियंट कुछ होता ही नहीं है लाइफ में, कोई भी चीज सफिशियंट नहीं होता ठीक। होता ऐसा ना कि प्रत्येक आदमी अपने को सेटिस्फाई कर लेता है, कर लेता मतलब मान लेता है आई एम सेटिस्फाइड, दैट इज फाइनल ठीक। कब उस स्टेज में कि जब आदमी सोचता है कि आगे मेरी क्षमता नहीं है ठीक, और यदि हम समझ रहे हैं कि हमारी क्षमता है और हमें वो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही हैं जिन चीज़ों के लिए हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम विदेशों में भी जाएंगे, चाहे हमें जो ऑल ओवर कंट्रीज में सारे वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है किसी भी कंट्री में जाना पड़े, और हमें जानना है ठीक। और एक चीज होती है बेटा, हमेशा एक चीज को ध्यान रखना कि जब हम पौधे को रोपते हैं ठीक, तो क्या करते हैं, उसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं कि ये कब बड़ा हो जाए। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो फैल जाती हैं, हम जितना खाद पानी देते हैं वो उतना फैल जाते हैं ठीक। पर इतना ध्यान आदमी को हमेशा होना चाहिए कि मेरा रूट कहाँ है ठीक। रूट पे हमेशा, ये मेरी एक मेन बात याद रखना, तुम जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी, पर इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि तुम्हारा रूट इंडिया है, जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए और जिस मिट्टी से तुम पनपे। ये ब्रांचेज पे मत जाओ, ये तो फैल जाती है, पर रूट और कहाँ पर है
इसको नहीं भूलना, ठीक हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े देशों में जाएंगे, अच्छा नॉलेज मिलेगा, लोगों से सीखेंगे, हमसे भी एक्सीलेंट लोग वहाँ पर होंगे, ठीक। पर वो सारी हमने जो कुछ करना है और हम जो कुछ कर सकते हैं, एक चीज याद रखना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करिष्यसि च, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। मैंने ऐसे नहीं कि आज हम फॉरेन पर, कल हमने बोला जी हम, मैं तो अमेरिका का हो गया जी, मैं तो अब जर्मन सीखने, अब तो पापा कौन आ रहे हैं इंडिया में, नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं, जड़ वही रहनी चाहिए जहाँ है, ठीक, जड़ वही रहनी जहाँ से हम पनपे आज, ठीक। अब तो हो गया हवा में वो खिल रहे हैं, तो कहीं भी शाखाएं जा सकते हैं, मजबूती तो जड़ से है, मजबूती तो जड़ से है ना, पहचान हमारी जड़ से है, है ना। अब अमेरिका में चल जाएंगे, अमेरिका में हो जाएंगे, कनाडा में चल जाएंगे, वहाँ के हो जाएंगे, जर्मन चल जाएंगे, वहाँ के हो जाएंगे, वहाँ के थोड़ी हम है। आज नरेंद्र मोदी जो है दुनिया में घूम रहे हैं, ठीक, और क्या बोलने कि मैं कोई मैसेज नहीं, मैं अपने भारतवासियों को मिलने के लिए आया हूँ, सुना देते हैं मैसेज पूरा, पर बात क्या होती है कि मैं भारतवासियों को मिलने के लिए आया हूँ, है ना, उनकी जड़ों का एहसास दिलाता है उन लोगों को वहां पर, कि तुम ये मत सोचना कि मैं स्विट्जरलैंड का हूँ, ये मत सोचना कि मैं अमेरिका का हूँ, ये मत सोचना कि मैं चाइना का हूँ, नहीं, तुम इंडिया के हो भाई, आज तुम कितना कर रहे हो यहाँ पे डेवलपमेंट, ठीक, ये तुम्हारा क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट है ना। और तुम जिस दिन कुछ करके इंडिया में आ जाओगे और एक नई चीज इंडिया में करोगे, उस दिन बाहर के बाहर कुछ कितना बड़ा कर लोगे ना, जब तुम वहाँ करोगे तो कौन बोलेगा अमेरिका कर रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा ना इंडिया का कर रहा है, अमेरिका से सीख के आ जाओ, तुम कनाडा से सीख के आ जाओ, तुम जर्मन से सीख के आ जाओ, यहाँ पर अगर कुछ करते हो वो बोलते यार हाँ, हरेक आदमी बोलेंगे यार फलाना आदमी, क्यों, हमारी पहचान तो यही है ना, वहाँ से तो हमारा कोई पहचान हो ही नहीं सकती, हम चाहे कितने बड़े आदमी हो जाएंगे, हम कितना भी डेवलपमेंट कर देंगे, कितना भी अपना प्रोग्रेस कर लेंगे, लेकिन हमारी पहचान वहाँ से नहीं है, हमारी पहचान यहीं से, ठीक है। गाइस हम आ रखे हैं अपने पुराने घर में, तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये रूम बड़े ताऊ जी का घर, ये बीच वाला ताऊ जी का घर, ये पापा का, पापा का वहाँ पे तीन गाय थे, तो वहाँ पे तीन नौ के लिए एक रूम था, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली के बुक भी रखे हैं अंदर, और यहाँ पे नीचे भी गिर रखी, तो आप मम्मी अंदर जाने नहीं क्योंकि मकड़ी है अंदर, तो फिर मेरे को जाना था पर मम्मी ने मना कर दिया, तो फिर बहुत हार्ड है कन्विंस करना, कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, जितना किसको पता उसी के अलावा होता है, ऐसे लगता है गन पॉइंट पे कर रहे थे, वही है गन पॉइंट वाला, गन पॉइंट वाला लगता है, ऑन है, ऑन हो गया था क्योंकि सच गलत बात है। देखिए गाइस इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से वो मंदिर भी दिखाई दे रहा है, देखिए गाइस जहाँ पे हम गए थे कल मंदिर पे, जहाँ पे कुछ मामा से मिली थी, वो वाला मंदिर भी दिखाई दे रहा है येलो कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर पे दिखाई दे रहा है वो मंदिर, देखिए गाइस मम्मी के वहाँ पूरे कपड़े ऐसे उड़ रहे, मम्मी हीरोइन लग रही है बिल्कुल, इतनी अच्छी लग रही, मम्मी की फोटो दे देता हूँ, कितनी अच्छी लग रही, कितनी अच्छी फोटो आई गाइस, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको बीच में दिखा दूंगा वीडियो के, इतनी अच्छी हवा चल रही है, देखिए पेड़ हिल रहे हैं, इतना अच्छा एटमोसफेयर बन रखा है, हम मम्मा इसको रेनोवेट करा सकते हैं, हाँ। नीचे एक टॉयलेट बनाएंगे, रेनोवेट करेंगे, इनकी चाबियां कहाँ हैं, अभी करना है उसको हटा सकते हैं, तो मतलब हमें गेट तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि गाइस तीनों गेट पर ताले लगे हैं और हम घुस नहीं सकते, इसमें घुस सकते हैं, मैं आपको अभी नीचे नहीं है, घर पे रह रहे हैं ना, ये रहने की कंडीशन में नहीं है, अभी इसको रेनोवेट कराएंगे तो हो सकता है, हाँ। पेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, इस पर एक टॉयलेट बनेगा, किचन बनेगा, अब पेस्ट कंट्रोल, हाँ। पेस्ट कंट्रोल पेंट वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, तो गाइस मैं आपको फ्लैश खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा लग रहा है, क्या आएगा, नहीं है बैट, बैटमैन होगा, हीरा मोती दिखा सबको, हीरा मोती किधर है, हीरा मोती का बैल चाचा जी के, गाइस ये देखिए, ये है हीरा और ये है मोती,
अब कौन सा हीरा है कौन सा मोती है, है ही नहीं कोई। अरे उनसे पूछ ना, हीरा मोती है। तुम में से हीरा कौन है? उसने गर्दन हिलाई, काले वाले ने गर्दन हिलाई। हीरा कौन है तुम में से बताइए, हीरा कौन है? मुर्रा मतलब वो सामने है, ये गाय भैंस के नीचे डालने के लिए वो होते हैं, जैसे उनका बेड है, उनका बेड है। और रवि जहाँ कांग्रेस का फ्लैग लगा, और रवि भाई का घर है, और बीजेपी का जहाँ फ्लैग लगा है, हाँ रवि का घर है। और जहाँ बीजेपी का लगा है, आपकी कहाँ से? मेरी बुआ है। और वहाँ पे जहाँ बीजेपी का लगा है, बीजेपी का वो उधर जैसी करेगी, बकरी जैसी, बकरी जैसी कहाँ हो रही छोटा है। और ये राजीव नगर वाले दादाजी का घर है, ये भी बता दिया था। जिनके गाय चाचा जी के, चाचा जी की गाय ने ये चाचा जी की, ये उनका होगा जो उधर रहते हैं वो जंदोली के चाचा जी तो है, ताऊ जी उन्होंने बेच दिया ना उनको, रवि के चाचा जी ने, जो ऊपर ना गुरे भाई का घर था, वो कौन सा वाला वो लास्ट जहाँ बीजेपी कौन सा गुरी, कौन सा गुरे घुसो, अच्छा तो गुरी घुसो बोल तो ये गाइस उनका घर है। ये पुराने हाँ पेड़ इतना पुराना है कि वहाँ पे इतना पुराना घर है कि यहाँ पेड़ ही हो गया अंदर, देखिए दादाजी का घर में पेड़ ही हो गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वो आड़ू का पेड़ था इस पे कुछ ज्यादा ही वहाँ पे आड़ू थे, तो फिर ये देखिए ये टूट गया, यहाँ से स्नैप हो गया बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा आड़ू का पेड़ स्नैप हो गया, टूट गया। और यहाँ पे लोग खेत में काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी ला रखे हैं यहाँ पे, देखिए जैसे आप देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे लोग खेत में काम कर रहे हैं। ये नीचे वाला खेत तो हमारा ही है, तो पापा बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने कुत्ते को छुड़ाया था बाघ के मुंह से, तो ये देखो ये लोग भी आगे आगे भाग रहे हैं, मेरे को छोड़ दिया इन्होंने, तो मेरे को इनके पास जाना पड़ेगा, इनसे कैचअप करना पड़ेगा, तो मैं करता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस अभी हम नीचे उतर रहे हैं, बहुत ये ऐसे तो होता है काम, आप मुझे काम सिखा दो भाई, उसको जा कूद के सीधा ऐसे के जंगल जा रहा है, कूद गया मेरे पैर मुड़ गया। तो गाइस बहुत डेंजरस एक्सपीरियंस था वो, मैं फिसल गया था, मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया था, मम्मी भी मेरे चक्कर में गिर जाएगी, मम्मी भी मेरे चक्कर में गिर जाएगी, बिग बी ने पर पकड़ रखा तो नहीं गिरेगी, डंडा भी पकड़ रखा। कैसे आ रही मम्मी? आराम आराम से। अब बिग बी ने पेड़ पकड़ लिया, तो ये वाला खेत हमारा है ना, तो ये पूरा खेत हमारा है, यहाँ तक कहाँ तक है ये चलते जहाँ तक, तो आपको कितना अच्छा वहाँ पे ये खेत है, यहाँ पे देखो मेरे पैर पे कुछ लगा गाइस, कुर्रे लग रहे गाइस, देखिए मेरे पैर पे कुर्रे लग रखे हैं जो कि बहुत चुभते हैं, ये एक टाइप के कांटे ही होते हैं जो कि फैब्रिक पे चिपक जाते हैं बहुत ज्यादा जल्दी, और फिर कपड़े के अंदर जाके छुप जाते हैं, देखिए पूरे पैर पर लग रहे हैं मेरे कुर्रे, बहुत खड़ी का पेड़ था यहाँ पर, इनको हटाता हूँ मैं क्योंकि छुप रहे हैं, तो पापा को जाने देते हैं यहाँ से रास्ते से, तो मैंने कुर्रे हटा चुके हैं। अरे ये बिग भी देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्लिंग शॉट से जैसा वहाँ पे शेप का पेड़ ले जा रहे हैं, वाई शेप का पेड़, तो फिर मम्मी ने उनको बोला कि मत ले जा, पर वो फिर भी ले जाए जा रहे हैं, और ये नहीं पता क्यों ले जा रहे हैं, उनको डर है कि भाग आ जाएगा और हमें खा जाएगा। कौन एक्सीडेंट हो रहा है अब, ये है पहिया का पेड़, और इस पे क्या बहुत सारे थे यहाँ, इस पे कुछ नहीं उगता, ये यहाँ पे होली ट्री होता है, जैसे वो हम पूजा में वो लगाते हैं ना वहाँ मैंगो के लीफ, तो यहाँ पे मैंगो होता नहीं तो इसको लगाते हैं पहिया को, तो मम्मा इस पहिया के पेड़ में, अच्छा पहिया के पेड़ में कुछ उगता नहीं है, फूल आते हैं इस पे बहुत ही ब्यूटीफुल, तो ये तो सूख रखा है आजकल नहीं आता, तो गाय स्प्रिंग के सीजन में पहिया के पेड़, ये क्या था कुछ नहीं हो, फिर कांटे वाला पेड़ था ये गाइस, कांटे वाली लीफ मेरे पे लग गई जो कि बहुत डेंजरस थी, तो फिर हम चलते हैं आगे करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइन ट्री ऊपर है और उनसे उनके फर गिर रखे हैं, ये दिखा तो दिया, जब इसकी लीफ ड्राई हो जाती है ना तो ये गिर जाती है और ऐसे बन जाती है, ऐसे दिखती है, इसको हिंदी में चीर बोलते हैं या और इंग्लिश में पाइन यूज होता है, पता तेरे को क्या होता है इसका यूज? नहीं, इसको ले जाते हैं गाय भैंस के नीचे बिछाने के लिए, और आग भी जला सकते हैं इसे? आग भी जला सकते हैं, और ये डेंजरस भी होता है, कैसे? जब जंगलों में आग लगती है ना तो इससे फैलती है, इससे बहुत ज्यादा फैलती है, जहाँ ये ज्यादा पेड़ होते हैं
उधर पर ज्यादा आग लगने का चांस रहता है। तो फिर गाइस इसके वहाँ पे एडवांटेजेस, गाइस इसके एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है। तो फिर चलो आगे, मैं नीचे मत गिर जाना, तो मैं देख रहा हूँ ठीक तो है रास्ता, आराम से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं मम्मी की पीठ दिखाई जा रहा, ये देखिए गाइस यहाँ पाइन कोन भी गिर रखा, इसको कलर करके बनाऊंगा, मैं ले जा रहा अपने साथ। नाउ यू आर माय फ्रेंड, मैं इसको एक पोकेमोन देना पाइन को नाम से, हाँ स्वाइंटर भी है शायद से, एक पोकेमोन ही है अभी भी, अभी भी स्वाइंटर ही बोल रहा। मैंने उनको सुबह दिखाया ना हु स्टार्ट पोकेमोन पूछा उनसे, तो फिर उन्होंने बोला स्वाइंटर। मैं दो ले जा रहा हूँ, दोनों कलर करूंगा, इसे छोड़ दे गाइस। मैं एक ले जा रहा हूँ और इसका नाम बना रखूंगा पाइन को, तो मैं पाइन को कलर करूंगा क्योंकि पाइन को बहुत अच्छा है। और फिर आपको दिखाऊंगा दूसरे ब्लॉग में उस पेड़ है हमारे सारे, ये सारे बांझ के, बांझ मीन्स ओक ट्रीज, ओक ट्रीज। अगर आप माइनक्राफ्ट खेलते तो आपको पता है ओक ट्री क्या होती है, ऐसे वो मत कर। ये हमारी पूरी बाड़ी है, बाड़ी मतलब हमने इसको घेर रखा है ना, हमारा रिजर्व फॉरेस्ट है ये, ताकि कोई काट ना सके। हाँ इतने बचा रखे, इतने पाल रखे, ये हमने प्रिजर्व कर रखी है हमारे उन्होंने एंसेस्टर ने ना, दादा दादी ने, तुम्हारे एंसेस्टर ही तो है दादा, एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा पुराने हो जाएंगे ना, कुछ दो तीन जनरेशन के। हाँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम ये लोग आगे पहुँच गए, आगे पहुँच भी गए, और हम वहाँ से आपको अच्छा व्यू दिखाएंगे अभी है। हम वीडियो के चक्कर में गाइस पीछे रह गए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो भी है जो आवाज निकालते है सिकाड़ा। हाँ वहाँ पे देखिए, ओ ये सिकाड़ा, ये गाइस पैर से आपने आवाज निकाल, नहीं क्रिकेट है ये जो भी होगा, ये काफल ट्री है ना सीधा, ये इसमें काफल आते हैं अभी, तो बड़ा मेरे दोस्त भी आए थे एक बार वहाँ पे स्कूल में काफल, और सबने उसके काफल लूट लिए थे। जब ये बड़ा हो जाएगा तब ये काफल देगा, तो काफल देगा। और वहाँ यहाँ बहुत सारे स्वाइंटर्स गिरे हुए हैं, देखो यहाँ पे पाइन ट्री है ना, कहाँ पे वो ट्री, ये बहुत लंबे होते हैं ओक ट्री से लंबे, ये देखो कितना लंबा है, उस पर देख कितने स्वाइंटर्स लगे हैं, खाना कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो है सामने देख। अब इसमें देख मैं इसी को फोकस कर दे, ये हाँ अच्छा, और हाँ। कितने सारे लगे हुए अब दिखाई दिया। अच्छा वो हाँ। बहुत अच्छा ना, ये बहुत स्लिपरी भी होता है चलने में, ये तुम्हें गिरा भी सकते हैं, इसके एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है, इसे बहुत ही केयरफुली चलो इस पे। आपने मेरे को पहले ही बताया था कभी, वॉच आउट एंड हिज नेम इज जॉन सीना। गाइस ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक शेप का मेरे को एक डंडा मिला है, जो कि ऐसा लग रहा है एक मैन है, और वो हग कर रहे हैं एक छोटे से ट्री को। और आगे से दिखाएंगे पूरी डागर पट्टी का व्यू, यहाँ से पूरी डागर पट्टी दिखती है, पट्टी डागर। देखो मैंने बहुत स्लिपरी है, क्या बोला था मैंने, आपने वही बोला था, मैंने बोला ये बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इसमें बहुत ही ध्यान से चलना होता है, अदरवाइज हम स्लिप हो गए ना तो सीधे नीचे। अगर मैं गिर गई ना तो लकी मुझे छोड़ेगा नहीं फिर, और पीटेगा, मैं गिरा तो तुझे तो मैं ही पीट दूंगी, इसलिए हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। मम्मी बहुत डेंजरस तरीके से फोन ही पकड़ रखा है, डंडा ही पकड़ रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, मम्मी फोन दो मेरे को, हैंड मी द फोन। तो गाइस जब पापा और बिग भी नहीं होते तब मेरा व्लॉग ज्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि मम्मा मेरे को अकंपनी करती है, और वो तुझे डांट दे रहे थे ना, हाँ कि फोन मत चला, ट्रिप आया ट्रिप का मजा ले। तो गाइस ये भी मैंने आपको एक बात बता दी, इसलिए चलिए मैं फ्रीली नहीं बोल पाता हूँ उनके सामने, हाँ वो मेरे को एम्बैरस भी करते हैं, बोल हा? अरे वो लोग नीचे जाना था, वो लोग हमको नीचे बुला रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं गाइस, वो लोग नीचे हैं, यहां पे आना है तो थोड़ा व्यू देखते हैं। ओह माय गॉड इस व्यू को देखिए गाइस, इधर आ गया से नहीं है व्यू इस तरफ है, अरे गांव दिखा रहा मैं गाइस, बहुत मुश्किल है बता, तो मम्मा बताने वाले व्यू कहां से दिखेगा, यहां से इधर आ, एक सेकंड गया। नहीं बच गए, तीनों बच गए, मिस्टर स्वाइंटर भी बच गए, फोन भी बच गए, और मैं बच गया। आजा इसको इसमें फिसल, वो क्या बोलते हैं स्लिप, स्लिपरी है यार ये बहुत,
गाइस बहुत खतरनाक है ये, मेरे इस ब्लॉग में ही दूसरी बार है कि मैं स्लिप हो गया, तो फिर आई थिंक मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। तू फोन पे मत देख भाई, तो मैं करता हूँ पॉज। तो गाइस यहाँ पे आग लगी होगी तो इसलिए यहाँ पे आधा पेड़ जल चुका है, आई मीन इसकी पूरी यहाँ पे रूट देखिए, स्वाइन भी यहाँ पे फिट हो रहे हैं। आ जाओ इधर आ लिए। तो गाइस बहुत बहुत ज्यादा स्लिपरी है, मैं फिर गिर गया। आ जा पकड़, देख दो गांव ये गहाड़ गांव दिख रहा है यहाँ से। रुक ना काना, काना जो भी है तू। और यहाँ से दिखेगा गुरु माणिकनाथ, जय हो गुरु माणिकनाथ, जय हो गुरु माणिकनाथ। ये है गुरु माणिकनाथ क्या पेड़, और ये वाल है, ये बाउंड्री वाल, इसे इधर गहाड़ वालों का, इसे इधर चोपड़े वालों का, ये डिवाइडर है। हम यूनाइटेड क्यों नहीं रह सकते? और ये यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड डिवाइडेड ही होंगे तभी तो यूनाइटेड होंगे ना, पहले उसके लिए डिवाइड होना बहुत जरूरी है। यार तुम लॉन्ग ट्रिप का मजा नहीं लेने दे रहे यार इनको। गाइस ये हमें व्लॉग नहीं बनाने दे रहे। हाँ कुछ नहीं जाओगे गाइस, हमें धमकी दी जा रही है कि हमें बारिश में छोड़ दिया जाएगा। लकी यहाँ से देख कितना अच्छा लग रहा ना, यहाँ पे पहले एक झोपड़ा डाल देते। किस चीज का बिल? बिजली का। पापा कहाँ भाग रहे हैं, जब तक हम आए नहीं फिर भाग रहे हैं यार। तो गाइस ये देखिए इतना हमें छोड़, हमें भी आने दो ना नीचे, पापा भी करे स्वाइन ट्रे लग। तो गाइस मैं चल रहा हूँ, फिर यार रुको, ये कहाँ से, चलो देखते हैं तुम्हारी रोड आती है यहाँ से कि नहीं आती। अगर मैं फिसला ना गाइस इस बिट्टे पे कैसे बनेगा घर यार, मैंने कहा है पकड़ा, छोड़ दो उसको, मैं तुम बस हो गया अब। और कहा है बिल फिर भी? अरे चीड़ के पेड़ के जैसे। तो गाइस ये देखिए हमारे गांव की पहली प्रेस, इसमें डाल देते हैं कोयला और इसे ऐसे खोलने हैं, अभी इसे सामने से इसमें कोयला भरो और फिर वहां पे इसे बंद कर दो और लॉक कर दो। लॉक हो गई, अब नहीं लॉक नहीं हुई, अब हुई लॉक है, अभी खुलेगी नहीं। हाँ बस अब हुई लॉक ही गाइस, अब इसे हम प्रेस कर सकते हैं ऐसे। तो फिर ये सबसे फर्स्ट है, ये हेरिटेज है हमारी गांव की, सब इसे ले जाते थे, सब ले जाते थे इसे। तो चलते हैं हम आगे गाइस, मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ। वहाँ पे आड़े देखिए, वहाँ पे एक्सेस घास जला रहे जो कि मैन्योर बन जाएगी और खेत को फर्टाइल बना देगी। तो फिर मम्मा क्या बोलते हैं इस बारे में? हाँ जी प्रेस दिखा दी गाइस को, कब भी नहीं क्लोज भी दिखा, मैंने पूरा वो दिखाया कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, इसके अंदर कैसे भरते हैं, खोलते कैसे हैं, सब एक्सप्लेन किया मैंने गाइस को। गाइस कौन, आई डोंट नो, चलो मैं नीचे जा रहा हूँ। रास्ता पता है? यस। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नीचे, ध्यान से जाना है। ओके मुझे रास्ता याद है तो मैं चल सकता हूँ। गाइस मेरे को रास्ता पता है तो मैं नीचे जा रहा हूँ घर में, क्योंकि मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, मैं बोर हो जाऊँगा। तो फिर मेरे को रास्ता याद हो गया आने के टाइम, थोड़ा बहुत याद हो गया मेरे को रास्ता, और घर यहाँ से भी दिखाई दे रहा है मेरे को। तो फिर बहुत ज़्यादा बम्पी राइड है ये, तो नीचे चलते हैं हल्का सा, और अब इधर से था राइट, नहीं लेफ्ट था एक्चुअली। हाँ घर सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए घर सामने है, मैं बिल्कुल आपको क्लियर व्यू दिखाता हूँ, हम पहुँच गए वैसे। ये देखिए घर दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो फिर चलते हैं हम आगे। गाइस खतरनाक वाली हवा चल रही है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा केयरफुल जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि मैं गिरने जाऊंगी। अरे लियो मेरा भोंग रहा, लियो जल्दी भूल गया, लियो मेरे को भूल गया गाइस, सो सैड। शायद ये इसलिए क्योंकि मैंने सुबह अपना खाने में से थोड़ा सा हिस्सा नहीं दिया। ओ मैं हूँ, ओ ओ भाई मेरे चल, ये रहा ये बंदा है, हे रुक जा, हाँ मिटेगा मेरे से, चल आराम से चल। गाइस मैं चलता हूँ आगे, मेरे को डर लगा लियो से, तो चलते हैं आगे। ये लो ये भी दौड़ा दौड़ा आ गए पीछे मेरे।
हाँ भाई क्या चाहिए तेरे को? आ गया मैं, भूलिया मेरे को इतनी जल्दी भौंक रहा मेरे पे। चलते हैं आगे, बताते ताई जी को हम घर आ गए, तो करते हैं यहाँ पे कट। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द ब्लॉग, प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।